देश कोरोना वायरस से जूझ भी रहा है और लड़ भी रहा है। कोरोना वायरस के नए नए रूपों को जहां देश के वैज्ञानिक समझने की कोशिश कर रहे थे कि कोरोना वायरस दूसरी लहर के बीच कोविड-19 के मरीजों में कई और बीमारियां सामने आ रही हैं। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस की है। कोरोना संक्रमण से रिकवर हो रहे कई लोगों में ये दोनों फंगस देखने को मिले हैं। अब तक ब्लैक फंगस के करीब 9000 केस सामने आ चुके हैं। व्हाइट फंगस के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन अब एक और फंगस का केस भी सामने आया है। ये है येलो फंगस। ये मामला कहीं और से नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से सामने आया, जहां एक व्यक्ति में ब्लैक और व्हाइट फंगस के अलावा येलो फंगस भी मिला है। डॉक्टर्स इस मरीज की जांच और इलाज में जुटे हुए हैं, लेकिन अभी तक स्वास्थ्य विभाग के किसी भी अधिकारी ने इस केस की पुष्टि नहीं की है। क्या है येलो फंगस और उसके लक्षण? येलो फंगस एक घातक बीमारी है, क्योंकि ये आंतरिक रूप से यानी कि अंदरूनी रूप से शुरू होता है। येलो फंगस के लक्षण सामने आने पर डॉक्टर्स जल्द इलाज की सलाह दे रहे हैं। सुस्ती, कम भूख लगना या बिल्कुल भी भूख न लगना, वजन कम होना येलो फंगस के शुरुआती लक्षण है। येलो फंगस के फैलने से मरीज का पाचन तंत्र बिगड़ सकता है। जैसे जैसे ये बीमारी बढ़ती है, वैसे वैसे ज्यादा गंभीर लक्षण दिखाई देते हैं। इसमें मवाद का रिसाव और खुले घाव का धीमी गति से ठीक होना या सभी घाव का धीमी गति से भरना जैसे लक्षण भी हैं। कुपोषण, ऑर्गन फेलियर और नेक्रोसिस के कारण धंसी हुई आंखें इस फंगस के अति गंभीर लक्षणों में गिनी जाती है। बताया भी जा रहा है कि ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस जैसे ही समान लक्षण येलो फंगस में दिखाई देते हैं, लेकिन ये ज्यादा खतरनाक है। इसका इलाज क्या है? येलो फंगस या म्यूकर सेप्टिक्स का एकमात्र इलाज एम्फोट्रिसिन बी इंजेक्शन है, जो कि एक व्यापक स्पेक्ट्रम वाली एंटीफंगल दवा है। कैसे बचाव करें? डॉक्टर्स का कहना है कि घर में अधिक नमी येलो फंगस के मरीजों के लिए बहुत घातक है। अधिक नमी बैक्टीरिया और फंगस को बढ़ावा देती है। ऐसे में घर और घर के आसपास की सफाई बेहद जरूरी है। डॉक्टर्स बासी खाना ना खाने की सलाह भी देते हैं, और अगर आप फ्रिज में कुछ सामान स्टोर करके रखते हैं और आपके फ्रिज को बार बार उसे साफ करें, क्योंकि फ्रिज के आसपास कोनों में ब्लैक फंगस जल्दी से जमा हो जाते हैं, जो कि येलो फंगस में तब्दील हो सकते हैं। ज्यादा खतरा किन लोगों को? येलो फंगस का मामला सामने आने के बाद डॉक्टर्स ने कहा है कि ये ब्लैक और व्हाइट फंगस से ज्यादा खतरनाक है। वहीं कुछ विशेष लोगों के लिए इसका खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अमेरिकी हेल्थ एजेंसी सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन या CDC के मुताबिक निम्नलिखित लोगों को येलो फंगस से ज्यादा खतरा है: जो लंबे वक्त तक इंसेंटिव केयर यूनिट में रहे हों, जिनका हाल ही में कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ हो, जिनकी इम्यूनिटी कमजोर हो या जिसके व्हाइट ब्लड सेल्स काउंट कम हो, जो बहुत स्टेरॉइड या एंटीबैक्टीरियल का इस्तेमाल करते हों, जिनकी किडनी खराब हो या डायलिसिस पर रखा गया हो। तो कोरोना काल में नई नई बीमारियां सामने आ रही हैं, नए नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं, तो ऐसे में अपना ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखें और सावधान रहने की बेहद जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।